फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आपका बर्थडे था, आपका बर्थडे होते हुए आपने अपनी पूरी फैमिली के साथ आप ये धरना आंदोलन में बैठे, इसके पीछे क्या कारण? अभी अपनी किसी से जान पहचान होती है, एक दो दिन भी अगर अपन उनसे रहते हैं तो इंसानियत के नाते उनके सुख दुख अपने हो जाते हैं। तो पिछले 3-4 महीनों से मैं इनके साथ रह रहा हूँ और 3-4 महीनों में थोड़े कम ताल्लुकात थे, लेकिन ये जो 26 दिन है, ये 26 दिन में इनसे मेरा अपनापन काफी अच्छा बढ़ गया है। तो इंसानियत के नाते ये इतने लोग जो बड़े बुजुर्ग माता है, ये जो इंसान है, ये अगर इतना उनका सुख सुविधा छोड़ के यहाँ पे आंदोलन में बैठे इतने तकलीफ में, तो इनकी तकलीफ देखते हुए आज मैं इनके साथ हूँ और मैं इनको ना गुजारा करके या तो अनदेखा करके मेरा बर्थडे मनाओ और खुशियां मनाओ, ये कोई मानवता को अच्छा लगेगा नहीं, ये देर हो जाएगा। इसलिए मैं इनके साथ हूँ और इसलिए मैंने आज बर्थडे मनाना छोड़कर इनके साथ रहना पसंद किया है। जैसे कि मंगलवार कभी नहीं होता तो उसके बाद आपको क्या कदम रहेगा, आपने कुछ सख्त कदम उठाने के? अगर सोमवार या मंगल के दिन नहीं होता है तो फिर हम जो बड़े बुजुर्ग है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा नेता नहीं है या कोई हम किसी के कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए ये जो बड़े बुजुर्ग है सब मिलकर, ये जो हमारी माता बहन है, हम सब मिलकर एक अच्छा कुछ निर्णय लेंगे और जल्दी, जैसे कि इन्होंने सोमवार या मंगलवार को काम नहीं किया तो एक बड़ी पत्रकार परिषद लेके आगे का हमारा क्या कदम होगा ये सबको बताया जाएगा। जो यहाँ हक के लिए इनके रास्ते के लिए बैठे है उनकी तकलीफ को अनदेखा किया जा रहा है और जो प्रशासन के काम में दखल अंदाजी करके काम को रुकवा रहे उनके आगे पीछे ज्यादा करते हुए प्रशासन दिख रहा है। आज भी आली थी आमच्या बरोबर पहिल्या दिवसापासून आहेत, पहिले त्यांचे धरणे आंदोलन मध्ये ते पहिल्या दिवसापासून आमच्या बरोबर आहेत, तरी त्यांचा आज वाढदिवस आहे, तरी त्यांनी आमच्या करता, आम्ही जे नाराज लोक आहेत यांच्या करता त्यांनी वाढदिवस बंद केलेला आहे। आम्ही मंगळवार संध्याकाळी वाट पाहणार आहोत, मंगळवारी काम चालू नाही झालं तर आम्ही डायरेक्ट इथून आमचे शाळेतली मुलं बाया पूर्ण बोलून नातेवाईक बोलून आम्ही मालेगाव तर मुंबई मुख्यमंत्री मंत्रालयापर्यंत पायी झालं आहे। से आए हुए पिछले कम से कम 5-6 साल से प्रेम भाव के साथ जुड़े हुए और उनका सोशल वर्क देख के हम लोग सटाने का एक बड़ा सा ग्रुप उनके साथ ज्वाइन हुआ। आज हर सुख दुख में वो सटाने में आते हमारे साथ में मिलते जुलते, हर छोटे मोटे कार्यक्रम में वो हमारे साथ रहते है। तो आज हर साल की तरह हम यहाँ पे जन्मदिन मनाने आए, पर यहाँ पे देखा तो कुछ और ही निकला क्यों, और आज तक हमारे पास ज्यादा कुछ अनुभव नहीं, पर ज्यादातर देखा है कि आजकल के जो भी समस्या होगी वो दूसरों के बच्चों को लेके कहीं पे रास्ते पे खड़े रहेंगे, कहीं दूसरे के बेटियों को लेके जाएंगे धरना करेंगे, पर आज एक पहला आदमी है जो खुद की बेटियों को लेके यहाँ पे रास्ते पे खड़ा है, एक एक दो दो महीने की बेटियों को लेके यहाँ पे रास्ते पे खड़ा है, ऐसा आदमी बहुत कम देखने को मिलते है आज के जमाने में। आज के जमाने में खाली के 2-4 दिन या 2-4 महीने कुछ समाज सेवा करो, उसके बाद में खुद राजनेता बनो और अपने वोटों का राजकारण करो, ऐसे आदमी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। जो उनका खुद का एक आज जन्मदिन है, ज्यादातर जन्मदिन के उनको क्या जरूरत है इन लोगों के लिए, उनका तो खुद का कोई मसला भी नहीं हो, उनके वार्ड का रास्ता है ये, फिर भी वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इन लोगों के लिए दो। इसलिए अभी उन्होंने बताया कि 3-4 महीनों से वो इनके साथ जुड़े हुए हैं और उनके दिन, उनके जन्म का इतना बड़ा दिन आज, साल में एक बार आने वाला दिन, हर लोग अपने रिश्तेदारों के साथ या दोस्तों के साथ या किसी के साथ में कई बार जाके मनाते, इनके लिए अपना दिल बड़ा होना चाहिए और इनके पास दिल बड़ा है इसलिए वो इन लोगों के साथ जुड़े हुए। तो आज हमें भी बहुत खुशी हुई कि हम अच्छे आदमी के साथ में जुड़े हुए।